ओके फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब ओपन किया है एंड बजट 2020 में आई हैव सर्च्ड फॉर कि व्हाट आर फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज निर्मला सीतारमण हैव टू से अबाउट द फिस्कल डेफिसिट एंड द ग्रोथ प्रोजेक्शंस। एक बार सुन लेते हैं, मैं साथ साथ थोड़ा बहुत आपके लिए डिकोड करूंगा। शायद कुछ फिगर्स ऐसी ही हों जो आपको ना समझ में आए, तो मैं बीच में पॉज करके आई विल डिकोड इट फॉर यू। आइए जी, सुनते हैं टू द फाइनेंस मिनिस्टर। Servicing of interest and repayment of these debts, servicing of interest and repayment of these debts as hitherto done are done out of Consolidated Fund of India. So, ये मैंने बीच में से प्ले की है बिकॉज जितनी मेरे को रेलिवेंट लगी मैं उतनी ही आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप पूरी स्पीच देखना चाहते हैं तो ये 2 hours and 38 minutes की थी, विच इज़ दी लॉन्गेस्ट स्पीच एवर गिवन बाय एनी फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बजट। एंड एज यू कैन लिसन टू आर फाइनेंस मिनिस्टर, दे आर सेइंग कि जो सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट और जो डेट की रीपेमेंट है वो हम कहाँ से करेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। मैंने आपको बताया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 फंड्स हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेटेड। नाउ दे आर गोइंग टू टेल अबाउट द फिस्कल डेफिशिट। पहले ये पिछले साल का बताएंगे, 1920 जो खत्म होने वाला है, और उसके बाद ये 2021 के प्रोजेक्शंस बताएंगे। तो ध्यान से सुनना, पहले 1920 का बताने जा रहे हैं। Now I come to some numbers. Revised estimates of expenditure for the financial year 2019-20 are at a level of 26.99 lakh crores and the receipts are सो 1920 के लिए जो खर्चा उन्होंने बताया दैट इज 26.99 लाख करोड़, एक तरह से 27 लाख करोड़, ठीक है। और अब रिसीट्स बताने जा रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। एस्टिमेटेड एट 19.32 लाख करोड़, वी हैव एस्टिमेटेड नॉमिनल ग्रोथ ऑफ जीडीपी फॉर द ईयर 2020-21 ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड्स अवेलेबल at 10%. Let me decode it for you. ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने बीच में ये बात कही कि जो जीडीपी है वो पिछले साल से 10% से ग्रो करेगी, ठीक है। और इस पे शोर पड़ गया जी लोकसभा के अंदर, बिकॉज सिर्फ बीजेपी के, देखिए अगर आप इनके बैकग्राउंड में जितने भी लोग देखेंगे वो बिल्कुल चुप हैं बिकॉज वो बीजेपी के हैं एंड दे डू नॉट वॉन्ट टू इंटरप्ट देयर ओन स्पीकर। लेकिन जो कांग्रेस और बाकी जो ओपोजिशन वाले हैं दे आर मेकिंग नॉइस अपॉन इट कि ये आप गलत बोल रहे हैं। गलत क्यों बोल रहे हैं? इन अ वे कि जीडीपी जो है ना, दैट इज वेरी क्रूशियल। ऑपोजिशन हमेशा ये चाहती है कि बीजेपी के टाइम में देश की जीडीपी नीचे आए, सो दैट इलेक्शंस के वक्त वो कहेंगे कि देखो ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी, इन्होंने जीडीपी बहुत गिरा दी। और ये अब कह रहे हैं कि हमें एक्सपेक्टेड है कि पिछली बार से हमारी जीडीपी 10% से इंक्रीज हो जाएगी। 10% नहीं हो जाएगी, 10% तो बहुत ज्यादा है। लेट अस से पिछले साल हमारी जीडीपी थी 7%, तो इस बार 7.7 हो जाएगी। सो उस पे जब इन्होंने कहा कि 10% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछली बार से जो जीडीपी थी, कि मतलब हम पिछले बार से जीडीपी को 10% से इंक्रीज कर देंगे, सो इस पे ऑपोजिशन इज मेकिंग नॉइस एंड ऑब्जेक्टिंग। सो सुनते हैं जी। प्लीज
प्लीज बहुत ध्यान से अब सुनेंगे। तो अब दे आर गोइंग टू टेल कि अपकमिंग ईयर, जैसे मैंने आपको बताया कि बजट जो है वो फरवरी में आता है और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के फिगर्स के बारे में बताते हैं। सो ये अब अपकमिंग ईयर्स में हमारा कितना खर्चा एक्सपेक्टेड है और कितनी इनकम एक्सपेक्टेड है उसके बारे में बताएंगे, एंड अकॉर्डिंगली फिजिकल डेफिशिट एक्सपेक्टेड हमारा कितना रहेगा उसके बारे में बताने जा रहे हैं। For the year 2020-21 are estimated at 22.46 lakh crores. And keeping in mind commitment of the government towards various schemes and the need for improvement of the quality of life, level of expenditure has been kept at 30.42 lakh crores. Sir, during the year, government has unfailingly worked towards keeping up capital expenditure. Actually, there is substantial enhancement. All the flagship schemes of the government have been fully provided for. Details may be seen in the annexes to the printed copy. So, income जो पिछले साल 19.32 थी, तो उन्होंने कहा कि हमें एक्सपेक्टेड है कि इनकम बढ़ के 22.4 हो जाएगी, और खर्चा जो पिछली बार 26.99 लाख था, उन्होंने कहा कि करंट ईयर में हमें एक्सपेक्टेड है कि हम खर्चा कितना करेंगे 30.42 लाख करोड़ का। सो फिस्कल डेफिसिट जो है वो पिछले साल के कंपैरेटिवली बढ़ने जा रहा है, एंड हमने क्लास में किया भी था कि हाउ टू कवर अप दिस फिस्कल डेफिसिट। आफ्टरवर्ड्स आई वॉन्ट टू शो यू द वेबसाइट ऑफ द बजट। सो आई हैव डन नथिंग, अगर आप बजट की वेबसाइट अगर देखना चाहते हैं, सो दिस इज द बजट वेबसाइट, इट इज द इंडिया बजट .gov.in। आप गूगल पे भी कर सकते हैं, यूनियन बजट 2020 लिखेंगे तो पहली जो वेबसाइट आती है वो यही आती है। मैं एक बार वेबसाइट का एड्रेस आपको दोबारा से बता देता हूँ, इट इज़ www.indiabudget.gov.in। जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं दे आर एंडिंग विद द टर्म gov.in। gov स्टैंड फॉर द गवर्नमेंट, n स्टैंड फॉर इंडिया। सो अगर आप ये हमारी यूनियन बजट की वेबसाइट देखेंगे, सो यहाँ पर है कि की टू द बजट डॉक्यूमेंट्स। अगर आप पूरी स्पीच पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरी स्पीच यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप पूरी स्पीच सुनना चाहते हैं 2 घंटे 40 मिनट की, तो यूट्यूब के ऊपर बहुत इजीली रेडिली अवेलेबल है। और नीचे अगर आप देखेंगे, सो हमारे पास है जी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे हमने ये चैप्टर शुरू किया था। मेमोरेंडम है जी हमारे पास, देख लेते हैं ये सारी चीज़ें। सो मैं सबसे पहले आपके सामने ये सारी चीज़ें मैंने खोली हुई हैं, मैं सबसे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। सो मैंने आपको सबसे पहले पेज पे ही करवाया था जी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स फर्दर रहती है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, दैट इज़ द कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो की है टू द बजट, जो मेन है जी, विच इज द असेंस, जो इस बजट की जान है, दैट इज व्हाट कंसॉलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। सो कंसॉलिडेटेड फंड के अंदर सबसे पहले वो हमें क्या कहना चाहता है, दैट इज द रेवेन्यू अकाउंट रिसीट्स, अगर आपके पास हैं, सो वो उसके बारे में बताना चाहता है। ये सारे हेड्स हम गो थ्रू नहीं करेंगे, मैं ये हेडिंग्स आपको बताया था। देखिए 18-19, देखिए बजट के अंदर ऑलवेज बजट इज ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस और इनको बाद में रिवाइज किया जाता है। देखिए बजट एस्टिमेट्स, एक है बजट एस्टिमेट और एक है रिवाइज्ड एस्टिमेट, इन दोनों में क्या फर्क है? ये तो पुराने साल का डाटा हो गया, अब हम 2021 की बात करना चाहते हैं, तो 18-19 तो खत्म हुए, बहुत टाइम हो गया, और उसकी हमारे पास एक्चुअल डाटा है। देखिए मैं 5 साल पहले के लिए एस्टिमेट थोड़े ना करूंगा, उसका तो मेरे पास एक्चुअल डाटा है। मैं एस्टिमेट हमेशा किसके लिए करता हूँ, फ्यूचर के लिए करता हूँ, या फिर जो चल रहा होता है उसके लिए एस्टिमेट करते हैं। जो चीज हो चुकी है उसके लिए थोड़ी ना हम एस्टिमेट करेंगे। सो 18-19 का हम आपको एक्चुअल डाटा दे रहे हैं, और उसके बाद बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट। देखिए जब बजट एस्टिमेट होता है तो अभी साल शुरू होना होता है, तब हम वहां पर वर्ड यूज करते हैं बजट एस्टिमेट, और इनको बाद में ना रिवाइज कर देते हैं मिड ईयर में, 6 महीने बाद जाकर इनको रिवाइज कर देते हैं, तब हमें आधे साल का एक्चुअल मिल जाता है और आधे साल का रिवाइज पता लग जाता है। तो हमेशा आपको 1920 के दो
कॉलम्स मिलेंगे। एक बजट के वक्त हमने क्या सोचा था और बाद में ये कम भी हो सकता है और थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, और इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपकमिंग ईयर के लिए क्या बजट एस्टिमेट दे रहे हैं। जब ये साल भी आधा हो जाएगा तो उसके बाद 2021 के लिए रिवाइज एस्टिमेट आ जाएंगे। रिवाइज एस्टिमेट मिड ईयर में आते हैं, मिड ईयर मतलब 6 महीने जब हो जाते हैं, मतलब अक्टूबर के अराउंड इनको लेकर आते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 1 है जी, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड, और इसमें ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं कि रेवेन्यू के अंदर देखिए सबसे पहले आया जी टैक्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के अंदर कॉरपोरेट टैक्स, इंटरेस्ट, FBT टैक्स, सारे टैक्सेस ये हमें बता रहे हैं, CGST, UTGST, IGST, GST से कितना रुपया हमें रिसीव होगा, सेल टैक्स, ये सारी चीजें ये हमें बता रहा है। और अगले पेज के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये वही कॉन्टिन्यूड है जी हमारा रेवेन्यू अकाउंट ही। और उसके बाद अगर मैं आपको थर्ड पेज पे ले आता हूँ, थर्ड पेज पे, और ये देखिए जी यहाँ पर हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है। मैंने आपको बताया था ना रेवेन्यू बजट के अंदर रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट में दो तरह के, एक टैक्स रेवेन्यूज और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू में जितने भी हमारे टैक्सेस आते हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमारे अदर्स आ जाते हैं, और फिर हमारे पास टोटल रेवेन्यू रिसीट्स आ जाती हैं। फिर हमारे पास आया जी रेवेन्यू अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर, जहां पे हम खर्चा करते हैं, और रेवेन्यू अकाउंट का मतलब रेकरिंग, जो हम बार बार करते हैं। सो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर हमारे पास आ गया कि हमने ये पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च किए हैं। यही डिसबर्समेंट ही आगे चल रही है। अब जब रेवेन्यू अकाउंट हमारा खत्म हुआ तो उसके बाद अभी डिसबर्समेंट्स ही चल रही हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे पेज नंबर 6 के ऊपर हमारे पास आया जी कैपिटल अकाउंट रिसीट्स। कैपिटल अकाउंट रिसीट्स से इसके अंदर हमने पब्लिक से कितना पैसा उधार लिया, ट्रेजरी बिल्स कितने दिए। मैंने आपको कैपिटल अकाउंट रिसीट्स नोट्स में अगर आप जाएंगे तो कैपिटल रिसीट्स में मैंने आपको 4 हेडिंग्स बताई थी, पब्लिक से उधार ले लीजिए, RBI से उधार ले लीजिए, ट्रेजरी बिल्स इशू कर दीजिए, या फिर आप गवर्नमेंट्स, फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन बॉडी से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स से हमें पास कितना आ रहा है, ये सारी रिसीट्स का हमारे पास टोटल आ गया। और अगर आप अगले पेज के ऊपर जाएंगे तो अभी कंसोलिडेटेड फंड ही चल रहा है, इसमें कैपिटल अकाउंट का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था हम किस किस चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी पे कर सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर लोन रीपेमेंट में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारा बताया गया है कि जी आप कहाँ कहाँ कौन से फील्ड में, पुलिस के ऊपर, स्टेशनरी प्रिंटिंग, पब्लिक वर्क्स, कितना कितने करोड़ रुपए का आप खर्चा इनके ऊपर करने वाले हैं। और जब रेवेन्यू अकाउंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल अकाउंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, वहां पे हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड है वो खत्म हो जाएगा जी। और उसके बाद ये जो चार्ज टूवर्ड है ये मैं आपको 2 मिनट के बाद बताता हूँ जी। इसके बाद हमारे पास आया जी कॉन्टिंजेंसी फंड। देखिए आगे उसने क्या लिखा है, स्टेटमेंट 2, मैंने आपको बताया था 3 स्टेटमेंट्स रहती है, नाउ दिस इज द स्टेटमेंट 2, और जिसमें आया जी कॉन्टिंजेंसी फंड, जिसमें से मैंने आपको बताया 500 करोड़ रुपये हम प्रेजिडेंट को देते हैं, लेकिन टोटल हमने इस फंड में कितने रुपये डाले, सिर्फ 8,000 करोड़ रुपये। 500 रुपये इसमें प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जहाँ पे चाहे वहाँ पे खर्च कर सकते हैं, और कॉन्टिंजेंसी जब भी आएगी तो इनमें से पैसे निकाल के खर्च किए जाएंगे, ठीक है। सो कॉन्टिंजेंसी फंड देखिए कितना सिंपल सा है। और इसके बाद हम आते हैं जी पब्लिक अकाउंट्स, जहां पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है दे डील एज अ बैंकर, सो वो बैंकर के तौर पे डील करते हैं जी। सो इसके अंदर स्टेट प्रोविडेंट फंड और ये सारे रुपए आ जाते हैं जो कि सरकार को इंडिया की पब्लिक ने डिपॉजिट करवाए हैं। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। यूटीज मैंने आपको बता दिया जी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं, इनमें से कुछ यूटीज ऐसी होती हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली, दिल्ली जो है वो अपने आप के अंदर एक स्टेट है। सो अंडमान निकोबार के अंदर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती जी, मतलब दिल्ली में अगर आपने देखा होगा तो इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि केजरीवाल की वहां पे सरकार है जी, आम आदमी पार्टी इज देयर, विच इज मतलब दिल्ली में इलेक्शंस होते हैं। बट क्या चंडीगढ़ में भी इलेक्शंस होते हैं? जी नहीं, चंडीगढ़ में तो कभी भी इलेक्शंस नहीं होते, चंडीगढ़ के अंदर हमेशा
सेंट्रल की सरकार ही रहती है। तो जहां पर विदाउट लेजिस्लेचर है, विदाउट लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि यहां पर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा। सो इसमें कौन से आते हैं, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और इनका टोटल। सो यहाँ पे हमारी AFS खत्म हो जाती है जी, AFS हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और ये पूरी की पूरी स्पीच है जी यहाँ पर बजट के अंदर, पूरी स्पीच अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं। मैंने आपके लिए एक और चीज़ यहाँ पे सर्च की थी, दैट इज द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। याद है आपको जब डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही थी, तो यहाँ पर मेरे पास है जी समरी फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स, क्योंकि हम अलग अलग मिनिस्ट्रीज को बोलते हैं, याद है ना सबको, डिमांड फॉर ग्रांट्स में जिसमें हम अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कहते हैं कि सर आपको उम्मीद क्या है हमसे, पहले आप वो बता दीजिए, फिर हम देखेंगे कि हमने आपको अप्रोप्रिएशन बिल में कितने रुपये देने हैं। सो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जी। ये देखिए, ये चार हेड्स तो बिल्कुल सेम है, 18-19 का हमारे पास एक्चुअल है, 19-20 के दो एस्टिमेशंस होते हैं, एक बजट के टाइम पे और एक मिड ईयर जिसको हम बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट, और इन दोनों के बेसिस पे हम 2021 के अंदर बजट एस्टिमेट अभी दे रहे हैं। सो ये डिमांड फॉर ग्रांट्स की समरी मैंने आपके पास खोल दी है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर है, तो इन्होंने अगर आप देखेंगे तो दो डिमांड्स की, मैंने आपको बताया था जनरली सारी मिनिस्ट्रीज एक करती हैं, लेकिन लेकिन अगर आपकी बड़ी मिनिस्ट्री है तो आप दो डिमांड्स भी कर सकते हैं। अब इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक चार्ज्ड और एक वोटेड। चार्ज एंड वोटेड का मतलब होता है कि चार्ज तो वो हैं जो आपने करने ही करने हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना कह दिया उतने रुपए देंगे ही देंगे। और वोटेड वो अमाउंट होती है जिसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर वोट डलवाया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, तो इसके अंदर चार्ज्ड भी है, और यहाँ पर दो तरह के खर्चे रहते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो रेवेन्यू में 0.02 है और कैपिटल में इन्होंने सोचा है कि 9.82 करोड़, ये जितनी भी वैल्यूज हैं ऑब्वियसली करोड़ में, तो 9.82 करोड़ जो हैं वो चार्ज्ड वाले हेडिंग में लिखा है जी। चार्ज का मतलब ये डिसाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही मन बना चुकी है, इस पर वोट नहीं होगी, किसी से पूछना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, इतना तो हम खर्च करेंगे ही करेंगे। और वोटेड के अंदर हमने ज्यादातर रुपए डाले होते हैं, तो अगर आप देखेंगे जो मेजॉरिटी ऑफ द मनी है वो हमेशा वोट के द्वारा ही डिसाइड की जाती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़े से राइट्स रहते हैं कि वो चाहें तो चार्ज कर सकते हैं कि इतने रुपए जो हैं वो फिक्स्ड हम स्पेंड करेंगे ही करेंगे। सो ये सभी मिनिस्ट्रीज की डिमांड स्टेटमेंट हमारे पास है कि उन्होंने कितनी कितनी डिमांड्स हमसे की हैं, और इसको दो कैटेगरीज हैं, एक चार्ज और एक वोटेड। चार्ज्ड मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रूव कर देगी, वोटेड मतलब जो पार्लियामेंट में अप्रूव करवाना पड़ेगा। सो ये वेबसाइट आप खुद ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए जी, indiabudget.gov.in, एंड यू विल फाइंड सम गुड नॉलेज फ्रॉम इट। और इसमें एक फाइनेंस बिल भी है जी, ये मैंने आपको बड़ा एम्फोसाइज किया था, ये बड़ा हमारे काम कर रहा था। सो ये फाइनेंस बिल है और इसके अंदर जितने भी चेंजेस हम करवाना चाहते हैं वो सारे इसमें रहते हैं। और फाइनेंस बिल याद है आपको, सारे नलायक हैं जी, कुछ याद नहीं है इनको। फाइनेंस बिल वो है जी जिसके अंदर हम टैक्सेस तीन चीज़ें करते हैं, नया टैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, या फिर उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं अगर वो प्री डिसाइडेड है। सो फाइनेंस बिल के अंदर देखिए, सबसे पहले इसने कहा कि जी इनकम टैक्स में हम क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं, तो सेक्शन 2 में कुछ चेंजेस हैं, तो ये सारे इनकम टैक्स के चेंजेस हैं। जब इनकम टैक्स के सारे चेंजेस हो जाएंगे उसके बाद वो कहता है कि जी अब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, हम कस्टम में भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और कस्टम टैरिफ एक्ट में चेंजेस करना चाहते हैं, जीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी चेंजेस करना चाहते हैं। जो जो चेंजेस करना चाहते हैं वो सारे हमने किस में बताएं, फाइनेंस बिल के अंदर। हेल्थ सेल्स और जो छोटे मोटे टैक्सेस हैं उनमें भी हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, वो सारे के सारे टैक्सेस हम फाइनेंस बिल में कहते हैं। तो सबसे पहले हमने किया जी फाइनेंशियल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें तीन स्टेटमेंट्स हमने देखी,
कंसोलिडेटेड का पहले रेवेन्यू की इनकम आई, फिर रेवेन्यू के खर्चे आए, फिर कंसोलिडेटेड में ही कैपिटल की इनकम आई और कैपिटल के खर्चे आए, फिर आए जी कॉन्टिंजेंसी फंड, फिर आया जी पब्लिक अकाउंट, वो हमारा वहाँ पे खत्म हो गया। फिर हमने फाइनेंस बिल आपको खोल के दिखाया, फाइनेंस बिल के अंदर हमने आपको दिखाया कि पहले इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस करने हैं, कस्टम्स में क्या क्या चेंजेस करने हैं, जीएसटी में क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो सारे इसके अंदर बताए गए। फिर हम मैंने आपको ये डिमांड फॉर ग्रांट्स की समरी भी खोल के दिखाई, जिसके अंदर अलग अलग मिनिस्ट्री ने कितने रुपए मांगे हैं। इसमें दो पार्ट्स आते थे, एक चार्ज एंड वोटेड। चार्ज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये अप्रूव कर देती है, वोटेड का मतलब जो पार्लियामेंट में अप्रूव आपको करवानी पड़ेगी। सो आई बिलीव वी वर्क क्लियर इन ऑल दिस। प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब आप खुद करेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू एनहांस योर नॉलेज। सो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन टेक अप विद मी ऑन द कॉल, एंड दैट इज इट। आई होप इट इज ऑल क्लियर, एंड इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग टर्म। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ गुड टाइम। दैट इज इट फ्रॉम टूडेज क्लास। बाय बाय।